हेलो दोस्तों, टैक्स और वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार, एक बार फिर एक नए टॉपिक पे। अभी हम पिछले वीडियो में जो प्रिजम्प्टिव टैक्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने केवल एक ही सेक्शन के बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं 44 ADA। ये क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे, इसका बेनिफिट किसको मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, इसकी लिमिट क्या है और इसका टैक्सेशन सिस्टम क्या है। तो देखिए, 44 ADA जो बात करता है, स्पेशली प्रोफेशनल के लिए बात करता है, और इसको बहुत क्लियर कट कहा गया है कि जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है, ये बेनिफिट उसी को दिया गया है। और साथ के साथ ये भी बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल, बहुत क्लियर कि उनको ये बेनिफिट दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बेनिफिट सबको दिया गया, स्पेशली प्रोफेशनल को दिया गया। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाते हैं तो हमने वहाँ पे जो बात किया था 44 में ही बात किया था, वहाँ पे हमने बताया था कि प्रोफेशनल को बाहर कर दिया गया था और टर्नओवर 2 करोड़ का था। तो उसी के हम फर्दर एक्सटेंशन में बात कर रहे हैं 44 ADA के बारे में, यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है, उससे ऊपर नहीं, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अब इस सेक्शन में बेनिफिट क्या क्या है, पहली चीज़ कौन कौन ले सकता है। कोई लीगल कंसल्टेंट है वो ले सकता है, कोई मेडिकल कंसल्टेंट या डॉक्टर है वो ले सकते हैं, इंजीनियर ले सकते हैं, आर्किटेक्ट ले सकते हैं, अकाउंटेंट ले सकते हैं, टेक्नीशियन जो कंसल्टेंट है वो ले सकते हैं, और इंटीरियर डिजाइनर ले सकते हैं। बहुत साफ बताया गया कि भाई प्रोफेशनल है कौन। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई प्रोफेशनल बन सकता है और उसको इस कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए फिर अलग से सेक्शन है 44 ADA, आप वहाँ पे जाके इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये सेक्शन कहता है क्या है, कहता है ये है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आप इसमें आ जाइए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ना बुक मेंटेन करना है, ना कोई किसी तरह की कोई टेंशन लेनी है। होता क्या है कि अगर आपने 50 लाख तक का जो बेनिफिट दिया है, उसमें आपको कोई डिडक्शन जो शेड्यूल 6 में है, यानी कि जो ATC में है, वो तो मिलेगा, कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं है। यानी कि फ्लैट 50% कर दिया गया, 50 लाख पे 25 लाख और 25 लाख पे आपको टैक्स पे कर देना है। 25 लाख पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जो कि चैप्टर 6 का हो, यानी कि ATC, ATD, होम लोन, उस तरह की चीज़ों का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ के साथ आप बिना किसी बहुत ज़्यादा बुक्स मेंटेन किए हुए, कोई बुक्स आप बिजनेस करते हैं तो थोड़ा बहुत तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा कि आप अपने इनकम को कैप्चर करते होंगे, उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा आप एक्सेल टूल बनाते होंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को ट्रैक, आप वही रखने की जरूरत है, आपको बुक नहीं बनाना है। बुक का मतलब आपको लेजर नहीं बनाना है, उस तरह के जो पूरे कंप्लायंसेज होते हैं जो कि इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया, वो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि 50% का आपको बेनिफिट है, 50% पर आपको टैक्स देना है और आप फ्री हैं किसी भी तरह के कंप्लायंसेस से। इसका फायदा ये है कि एक तो आपको कॉस्ट ऑफ जो कंसल्टिंग की बात करें वो कम है, अदरवाइज अगर आप बुक बनाने जाते हैं तो आपको उसका अलग प्रॉब्लम है, आपको उसके लिए अलग से अकाउंटेंट या प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है, जो अलग से उसका भी पैसा देना पड़ता है। लेकिन अगर आप 44 ADA में जाते हैं, आप फ्लैट 50% का बेनिफिट मिलता है और बैलेंस पे आपको टैक्स पे कर देना। बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स मामला नहीं होता है, और इसमें फायदा यह है कि डिपार्टमेंट भी कम इंक्वायरी करते हैं जब आप प्रिजम्प्टिव टैक्स में रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, बेनिफिट तो देता है लेकिन वायलेशन का जगह नहीं देता कि आप लॉ के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करें, यानी कि आप कोई अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करें तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अपने डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर और जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा सेक्शन, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख तक है और आप इनिशियल काम कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में जाने पे आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट है बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना ना भूलें। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी हो इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उस क्वेश्चन का एक कह सकते हैं प्रोफेशनल आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। साथ के साथ हम फायर TV और ऐप स्टोर पे भी, एंड्रॉयड स्टोर पे भी हैं, तो अगर आपको हमें वीडियो और देखना तो आप इस सारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।